नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के अध्याय में हम इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट और आईक्यू या बुद्धि लब्धि का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूनिट 5 में व्यक्तिगत या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन किया था और व्यक्तिगत भिन्नता के जो आधार हैं उनका भी हमने अध्ययन किया, और इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि व्यक्तियों में एक दूसरे से जो भिन्नता होती है उसका एक आधार उसकी बुद्धि लब्धि या बुद्धिमत्ता भी होती है। तो ये बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, ये संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जनरली हम आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट को ऐसे समझते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स जो है अपने रिजल्ट्स में कितने परसेंटेज प्राप्त करते हैं, हम सोचते हैं कि वह स्टूडेंट उतना इंटेलिजेंट है। तो ये जो रिजल्ट्स आपको आपके स्टडीज़ से प्राप्त होते हैं वह तो एक आयाम है ही आपकी बुद्धि लब्धि का, लेकिन बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, और बुद्धि लब्धि जो है वह आपके स्टडीज़ के अलावा, जैसा कि हमने पढ़ा, बुद्धि आपके वातावरण में समायोजन, आप किस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग करते हैं और किस प्रकार किसी कार्य को करने के लिए आप अपने लॉजिक और रीजनिंग का प्रयोग करते हैं, इन सभी को मिला के हम बुद्धि या इंटेलिजेंस को कंसिडर करते हैं। तो बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चन को किस सूत्र से प्राप्त किया जाता है यह आज हम देखेंगे। विद्यार्थियों, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैतिक आयु का ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस अनुपात को हम बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु या मेंटल एज और तैतिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात को 100 से गुणा या मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन या प्रोपाउंडर जो हैं वह जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न थे। विने साइमन टेस्ट, जो कि बुद्धि लब्धि का एक परीक्षण है, उसको 1916 में बनाया गया और इसको बनाने वाले विने साइमन थे। इस टेस्ट को टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संशोधित किया गया। ये जो टेस्ट था इसको रिवाइज करके टर्मन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट या बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट था उसका प्रयोग किया। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किस टेस्ट में किया गया, जो टर्मन ने विने साइमन टेस्ट को रिवाइज किया उसमें बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले किया गया। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है विद्यार्थियों। तो यहाँ देखिए, आईक्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। यहाँ पर आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट या बुद्धि लब्धि। एम ए जो है वह मानसिक आयु या मेंटल एज है, और सी ए जो है वह तैतिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज है। अब विद्यार्थियों, तैतिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज हम किसे कहते हैं? तो क्रोनोलॉजिकल एज या तैतिक आयु व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की जो अवधि है
जब व्यक्ति का जन्म हुआ उससे लेके आज तक की जो उसकी ड्यूरेशन है उसे हम तैतिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट की मान लीजिए एज 18 ईयर्स है, किसी की 16 ईयर्स है, तो जन्म से लेके आज तक की जो अवधि है उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। दूसरा है मानसिक आयु या मेंटल एज। तो मेंटल एज का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि यदि कोई व्यक्ति अपने आयु के हिसाब से निर्धारित कार्य को कर लेता है तो संबंधित जो होती है वह उसकी वास्तविक या तैतिक या मानसिक आयु कही जाती है। तो विद्यार्थियों मानसिक आयु क्या होती है कि जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कार्य कर पाते हैं तो वो आपकी मानसिक एज है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझा सकते हैं कि एक 6 साल का लड़का यदि 7 साल की आयु के लिए निर्धारित समस्याओं का समाधान कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, 7 साल मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मानसिक एज मान लीजिए जैसा मैंने एग्जांपल में बताया 7 साल है, वो 7 साल क्यों है, क्योंकि 6 साल का होते हुए भी वह 7 साल के बच्चों जो कर सकते हैं उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी, 7 साल। तो विद्यार्थियों ये इसका सूत्र हो गया। अब हम इस सूत्र को एग्जाम्पल के द्वारा या उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। तो आईक्यू निकालने का एक जो उदाहरण है वह आपके सामने स्क्रीन्स पे है। मान लिया जाए कि एक 10 साल का जो लड़का है उसकी मानसिक आयु 12 साल की है, तो अब हमें उसकी बुद्धि लब्धि जो है वह निकालनी है। तो विद्यार्थियों बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 आप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एम ए जो है जो कि हम बता रहे हैं मानसिक आयु या मेंटल एज, यहाँ पर लिखी हुई 12 साल, 12 साल को हमने महीनों में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 144 मंथ्स। और सी ए क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु कितनी बताई, 10 साल, तो 10 साल को भी हमने महीनों में कन्वर्ट किया तो 120 हो गए। इंटू 100 तो 144 को 120 से डिवाइड किया और इंटू 100 किया तो कितना आया, 120। तो 120 जो है वह इसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो रही है। तो 120 मंथ जो है वह इसकी बुद्धि लब्धि जो है वह प्राप्त हो गई। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि हम मान लें कि किसी बच्चे की आयु 12 साल की है और उसकी जो मानसिक आयु वह 10 साल की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार होगी, तो ये हमने फॉर्मूले से निकाला और उसकी बुद्धि लब्धि आएगी 83.33। ऊपर वाली जो आई क्यू आई वो 120 थी और ये जो नीचे वाली है वो है 83। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप बुद्धि लब्धि जो है वह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज आपने बुद्धि लब्धि या आईक्यू को किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।